ंग टू स्टार्ट चैप्टर नंबर थर्ड क्लास टेन्थ मेटल एंड नॉन मेटल नॉ वट इज़ द मेटल एंड वॉट इज़ द नॉन मेटल यू शुड अंडरस्टैंड मेटल मीन्स ऐसे हार्ड सब्स जिनके अंदर कंडक्टिविटी मेलेबिलिटी डकटिविटी टेंसाइल एलॉय है ना लॉक्चर ये सब नेचर होता है वो सब मेटल होती हैं और जिनमें नेचर नहीं होगा उसे हम नॉन मेटल कहेंगे All hard the things are metal is not a compulsory, okay. Hard things are metal is a thing good, but all the hard things are metal is not a compulsory. For example, plastic is hard but is not a metal. Wood is hard is not a uh, metal. Uh, those things are hard but it, it is not a metal. Metals are those they are the solid but they have a property of uh, they have a property of, uh, luxure, tensile, alloy formation, ductile. Okay now see sí. रूम टेम्परेचर uh, 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 पर हम बात करें सोडियम पोटेशियम ये भी हाईली रिएक्टिव है कैन बी कट विद द नाइफ सोडियम पोटेशियम इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी कॉपर एंड सिल्वर इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी नॉन मेटल्स एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ मिलियबल एंड डक्टाइल ये आपको डेफिनेशन पर बता चुकी है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल वॉट डिपेंड when द मेटल्स आर burnt इन एयर इट remove द ऑक्साइड एंड प्रोड्यूस डेजलिंग जैसे एग्जाम्पल बात करें जो हाईली रेक्टिव मेटल है उन्हें गर्म करने पर ऑक्साइड फॉर्मेशन होता है और डेजलिंग प्रोड्यूस करते हैं जैसे मैग्नीशियम हमने फर्स्ट चैप्टर में देखा था गर्म करते हैं तो उससे ऑक्साइड प्रोड्यूस होती है और डेजलिंग प्रोड्यूस होती है नेक्स्ट देखें कॉपर रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म कॉपर ऑक्साइड एलोमिनियम रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म एलुमिनियम ऑक्साइड ये यूनिवर्स है इसको पढ़ना पड़ेगा एलुमोनियम ऑक्साइड रिएक्ट विथ एसिड एंड बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर ये सेकेंड चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं सेकेंड चैप्टर कई सारी चीज़ें रिपीट होगी इसमें सी द थर्ड लाइन एलोमोनियम ऑक्साइड जिंक ऑक्साइड शो द बोथ एसिडिक एज वेल इज द बेसिक कैरेक्टर

दिस डिज़ोल्व इन दॉटर टू फॉर्म द एलकली सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड पोटेशियम ऑक्साइड डिजोल्व इन द वॉटर टू प्रोड्यूस एल्कली एज फॉलो ठीक है ये देखिए कोई भी ऑक्साइड अगर वाटर के साथ रिएक्शन करता है मेटल ऑक्साइड्स तो ये एल्कली प्रोड्यूस करता है जितनी स्ट्रॉन्ग मेटल है यानी हाईली रिएक्टिव मेटल है वो ऑलवेज प्रोड्यूस द एल्कली ओके एनोडिंग इज अ प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग आर्थिक ऑक्साइड लेयर लेयर ऑन एल्युमिनियम एल्युमिनियम डेवलपिंग आर्थिक लेयर ऑक्साइड व एन एक्सपोज टू द एयर देखिए एनोड या हम बात कर सके किसी मेटल के ऊपर जब हम एटमोसफेयर साइड में रखते हैं या में रखते हैं तो ऑक्सीजन से रिएक्शन करके एक लेयर बना लेती है जिसे एनोडिक लेयर कहते हैं या ऑक्साइड लेयर कहते हैं ठीक है इसी तरीके से एलुमिनियम ऑक्साइड कोटेड विद द मैक इट रेजिस्ट टू तो फर्दर करोजन अगर हम किसी मेटल के ऊपर लेयर चढ़ा दें जिंक की या एलूमिनियम की या कॉपर की या नॉन रिएक्टिव मेटल की तो वो क्या करता है रस्टिंग या कोरोजन को स्टॉप करता है ठीक है ये इसने एक्सप्लेन किया है कि किसी भी मेटल की अगर हम लेयर कराएंगे तो वो एनोडिक साइट को परफॉर्म करता है ओके okay. चलिए अगर हम देखें क्या बता रहा है एनोडिक इज़ द प्रोसेस ऑफ थिन लेयर ऑफ एलुमिनियम ठीक है आगे देखिए ड्यूरिंग द एनोडिक क्लीन एलुमिनियम आर्टिकल्स मेड एनोड एंड इलेक्ट्रोलाइट विद द डायलूट सल्फ्यूरिक एसिड द ऑक्सीजन गैस इवॉल्व एट द एनोड

वॉट डिपेंड मेन द मेटल रिएक्ट विद वाटर जब भी मेटल वाटर के साथ रिएक्शन करेगी तो बेसिक ऑक्साइड्स बनाएगी नॉन रिएक्ट करेगी तो एसिड ऑक्साइड बनाएगी डायग्राम दिख रहा है देखिए आप मेटल रिएक्ट विथ वाटर टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड्स मेटल ऑक्साइड रिएक्ट विध वाटर टू फॉर्म मेटल हाइड्रो ये जो क्वेश्चन हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है याद है कि हार्ड मेटल और रिएक्टिव मेटल के साथ बता रहा है वॉट डिपेंड वेन द मेटल रिएक्ट विद एसिड इट ऑलवेज फॉर्म सॉल्ट एंड रिलीज हाइड्रोजन ये प्रीवियस क्लासेस में प्रीवियस लेक्चर्स में प्रीवियस चैप्टर में हम कर चुके हैं मेटल रिएक्ट विद डाइल एसिड टू फॉर्म सॉल्ट एंड हाइड्रोजन कंपल्सरी है जैसे जेड एन प्लस एच टू एसो फोर टू फॉर्म जेड एन एसो फोर प्लस एच टू एच टू हमेशा रिलीज होती है और जिस भी रिएक्शन में एच टू अगर रिलीज होगी तो उसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहा जाता है देखिए आगे मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में एक रिएक्टिविटी सीरीज बताई थी केमल जी गए आयरन टिन लीड लेने डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है वही चीज़ ये बता रहा है कि किस रिएक्शन को मतलब किस रिएक्शन में एसिड रिएक्ट करेगा किस रिएक्शन में बेसिड रिएक्शन नहीं करेगा किस में हाइड्रोजन रिलीज होगी किस में नहीं होगी इसका सीधा सीधा कॉन्सेप्ट है हाईली रिएक्टिव मेटल के साथ अगर रिएक्शन करता है जो हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव होगी तो वहाँ पर रिलीज़ होगा और जहाँ पे हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव मेटल होगी वहाँ पर रिलीज़ नहीं होगा ओके जैसे मैग्नीशियम एलिमिनियम जिंक आयरन ये सब हाइड्रोजन ज़्यादा रिएक्टिव हैं इसलिए हाइड्रोजन को रिप्लेस करेंगे और ख़ुद उसके साथ मिलके प्रेसिपिटेट या फिर सॉल्ट का फॉर्मेशन करेंगे एक्वारिजिया जो होता है लेटिन भाषा में इसको कहता है रॉयल वाटर इट इज़ फैशली प्रिपेयर्ड। इसके अंदर एक रेशियो चलता है आपका एच सी एल और H2SO4 फोर का एच सी एल जो है फ़ोर परसेंट और और एच सी एल जो है आपका फोर परसेंट यानी फोर पार्ट यूज़ कर सकते हैं आप इसका अच्छा रेशियो जो बता रहे थ्री रेशियो वन जो बता रहा है उसमें ये बता रहा है कि थ्री रेशियो आप एच सी एल यूज़ कर ले वन रेशियो आप एच ओन थ्री यूज़ कर सकते हो तो एक वारीज हो जाएगा इस तरह फोर पार्ट फोर पार्ट अगर आप आ, अगर बात करें एच टू एच वन थ्री का यूज़ कर लें और सिक्सटी पार्ट अगर आप एच सी एल का यूज़ कर लेंगे तो भी ये आपका एक और इजी कहलाएगा ओके हाउ डज द मेटल रिएक्ट विद द सोल्यूशन ऑफ अदर मेटल सॉल्ट देखिए एक्टिविटी जो परफॉर्म करी इसको समझने की कोशिश करें एक टेस्ट टेस्ट्यूब में कॉपर सल्फेट है उसमें आयरन रखा है दूसरे दूसरे में आयरन सल्फेट है उसमें उन्होंने कॉपर सल्फेट में कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन तो में आयरन डिप कराया तो उन्होंने देखा देखिए थोड़ी देर बाद इसमें कलर चेंट जाएगा फर्स्ट ट्यूब में कॉपर सल्फेट के आयरन नेल ड्रिप करे तो आयरन डिलेटेड डिजॉल्व होनेगा क्योंकि तो आयरन मोर रिएक्टिव देन कॉपर और दूसरे वाले केस में अगर देख रहे हैं तो आयरन सल्फेट का सोल्यूशन उसमें कॉपर रखा है तो कोई भी रिएक्शन पॉसिबल नहीं होगी क्योंकि कॉपर उसके अंदर डिजॉल्व नहीं होगा आयरन की रिएक्टिविटी ज़्यादा होने के कारण अरेजमेंट ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज मीन्स द अरेजमेंट ऑफ एलिमेंट एकॉर्डिंग टू रिएक्टिविटी मोस्ट रिएक्टिविटी मोस्ट रिएक्टिव मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट आर प्रायर रेस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स आर लोअर मोस्ट रिएक्टिव डिस्ट्रक्शन पॉसिबल इन लोअर कैटेगरी मेटल लो हाई स्ट्रकटिव डिस्टलेन पॉसिबल इन हाई रिएक्टिव मेटल याद रखिएगा इस चीज़ को ये जो टेबल दी है इसको फर्स्ट शॉर्टकट ट्रिक से समझाया गया है उसे आप अच्छे से समझने की कोशिश करें वाई सोडियम इज केप्ट इन केरोसिन बिकॉज सोडियम इज़ वेरी हाईली रिएक्टिव मेटल इज रिएक्ट विद ऑक्सीजन एटमोसफेर ऑक्सीजन टू फॉर्म बम्बार्ट आगे राइट द क्वेश्चन फॉर रिएक्शन ऑफ आयरन विद स्टीम डेट मीन्स वाटर के साथ रिएक्शन करना है बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है पेपर पूछे गए ये बुक में आपको आगे आएगी कैल्शियम एंड पोटेशियम विद वाटर कैल्शियम पोटेशियम जो है ये दोनों भी अगर हम रिएक्शन कराएँगे तो कैल्शियम पोटेशियम विद वाटर अगर करें तो कैल्शियम और जो ओ टीच में दोनों ही एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाएंगे जिसके कारण कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्मेशन होगा कंस्टिट्यूट फॉर्मेशन होगा और एक आपके पास नया क्रिस्टल बनकर आ सकता है ठीक है थैंक यू